ऐसे कैरेक्टर्स के जो सिर्फ लिखे हुए हैं, यस, है ना? आपको कैसे पता है और कहाँ सुना है आपने? यार मैंने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट मुझे पता है कि लाइक उमेरा अहमद के काफ़ी ऐसे फैंस हैं जी। मैंने उनके साथ अपने अपने करियर में बहुत शुरू में एक काम किया था, तो उस वक्त मुझे पता चला था कि उनके ऐसे काफ़ी स्टोरीज हैं और ऐसी काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जो शूट भी नहीं हुए, वो लिखे हुए लोगों के दिल में बसे हुए हैं। मैं भी उन्हीं में से हूं। व्हिच इज अमेजिंग। शी इज़ रिटन अ कैरेक्टर कॉल्ड सालार। तो सालार इतने इतने आइडियल मर्द हैं, इतने पॉजिटिव, कसम से, यू नो, वी ऑल हैव अ क्रश ऑन सालार। रियली? और सालार है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। सैड जिंदगी की ये तो ट्रेजेडी है, सालार एग्जिस्ट नहीं करते। बट अच्छा, इससे ना एक दो और कैरेक्टर्स हैं, तो अगर हम कभी डालें ना तो बड़ी लड़ाई भी हो जाती है कि साथ के सादी के फैंस कौन है, वो एक और अच्छा, कैरेक्टर। अच्छा, एक प्रॉपर लाइक एक अलग यूनिवर्स चल रही है। यस यस, देयर इज अ प्रॉपर यूनिवर्स जो ये उर्दू के राइटर्स हैं ना उनकी, व्हिच इज ग्रेट, व्हिच इज अमेजिंग, यू नो, ऑफ कोर्स इतनी पावर है राइटिंग में। थोड़ी सी मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है वापस से कि जितना जमाना बेशक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ इधर से इंटेलेक्चुअल तरीके से भी लोग कनेक्टेड हैं। अच्छा, उसको सारा उन्होंने पीडीएफ और ऑनलाइन कर दिया, तो इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, यू नो। ठीक है, हम आज आपकी आपका जो नया गाना रिलीज़ हुआ है उसकी बात करेंगे, विच इज़ चंद माहिया। आई रियली लाइक इट, मज़े का लग रहा है, एंड आई लाइक इट कि वो थोड़ा तेज जाता है, फिर थोड़ा सा वो हल्का सा स्लो टाइप आता है, सो आई लाइक द यू नो चेंज इन दैट, एंड परफेक्ट कॉन्सर्ट सॉन्ग है बाय द वे वो। यस, आई कांट वेट। जब वो आप वो कहते हैं ना, मैंने लिरिक्स लिखे हैं, मुझे याद नहीं है इस तरह, बट वो जो कहते हैं ना यहाँ से, खो यारे खो यारे, मैं तो खो गया खो, वो वाला पार्ट। यस, वो वाला पार्ट वो इतना अच्छा है, और हर चेहरा ये पार्ट वैसे शायरी के तौर पे भी मेरा फेवरेट है, ये वाला जो है ना पार्ट, तो आई रियली एंजॉयड इट। बट आपको मैं बताऊंगा कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने भी एक थोड़ा छोटा सा राइटर होने की कोशिश की। ये आपने खुद लिखा हुआ है ना? जी, ऑलमोस्ट विद माय राइटर्स, मेरी जो टीम है, बट यस, ये पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, वैसे पहले हम बता देंगे हम करने क्या लगे। सो आज हमारी वीडियो इज डिवाइडेड इनटू फोर सेगमेंट्स। हमारा पहला सेगमेंट है कॉफी एंड टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस जिसके थ्रू आसिम गाना क्रिएट करते हैं, या चंद माहिया में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आसिम कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, पहला क्या स्टेप होता है, आर यू पर्टिकुलर अबाउट कि किस तरह की कॉफ़ी आप बनाएं? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ चाय पर्सन, बट आई ऑल्सो लाइक कॉफ़ी। मैंने तो स्पेशली पूछा था, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है आप कॉफ़ी पीते हैं। किससे इन्फॉर्मेशन मिली है? वासिक को कॉल करें, आपके मैनेजर को। आई कॉल्ड हिम स्पेसिफिकली टू आस्क, वो ना चाय करती, मैं चाय भी कर सकते मैं हैं। शूट पे कॉफी पीता हूँ क्योंकि जब हमें रात को लेट कभी जागना होता है तो देन कॉफी हेल्प्स, बट लाइक आई सेड आई आल्सो लव कॉफी, लेकिन चाय जिस दिन मैं बनाऊंगा ना उसमें मैं माहिर हूँ। ठीक है, तो नहीं, चाय कर लेते हैं। नहीं, मैं ये भी बना अभी कर लेते हैं, ये भी बना सकता हूँ। Sure. हाँ, आप वैसे बनाते हैं खुद कॉफी? होटल्स में यूजुअली रूम में जब आपको जरूरत पड़ती है तो मैं अपना सबसे पहले, अब मुझे नहीं पता इसका तरीका क्या है। नहीं, ये आपके ऊपर, देखें वी हैव, एक सेकंड, वो क्या है और ये क्या है? ये कॉफी है और वो क्या है? ठीक है, वो कोको पाउडर है। ओके, कोको पाउडर है और ये एवरीडे, हाँ, मैं ब्रांड का नाम लेने, अच्छा, इट्स ओके, ये ड्राई मिल्क है एंड शुगर और बीप लगा दीजिएगा और वो हमने डोनट्स। ओके, सो सबसे पहले कॉफी, ठीक है, एंड यू लाइक इट स्ट्रांग और ड्राई मिल्क है? ओके, अब ये थोड़ा ट्रिकी होगा। दूसरा फ्रेश मिल्क चाहिए होता है? नहीं, चाहिए नहीं होता, लेकिन जो मेरा तरीका है वो, मैं इतनी हूँ कि मैं मग अपने आगे रखी है, ये आपके लिए होना चाहिए। तो ये याद भी नहीं है कि कितनी डालनी चाहिए। अच्छा, आपने वो टोटली अप टू यू भाई, आपकी कॉफी आपने पीनी जैसे यूजुअली एक नॉन कॉफी पर्सन को स्ट्रांग चाहिए, लाइट स्ट्रांग, तो फिर दो डाल, दो डालें, ठीक है, चलो हम पौने दो डाल देते हैं, पौने दो डाल देते, ठीक है। अब यूजुअली इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा वो लिक्विड मिल्क की जरूरत होती, लेकिन अब मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं वो, अच्छा, तो यू वांट टू पुट मिल्क फर्स्ट, ओके, मैं बताता हूँ ना मैं क्या करता हूँ, देखिए, तो इसमें थोड़ा सा हम क्या, आई गेस, चलो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो साथ साथ बताते जाएं, जब यू एक्सपेरिमेंट करें तो चंद माहिया में क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? चंद माहिया में मैंने एक्सपेरिमेंट ऑनेस्टली पता है क्या किया है? क्या किया? कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने प्लान ही नहीं किया। मतलब आपने पूछा ना कि चंद माहिया होता है या तो चांद होता है, तो चंद क्या है? तो अच्छी बात है, मैं फुल ऑनेस्ट होने वाला हूँ। हाँ, मुझे अपने कुछ टीम मेंबर्स ने भी कहा कि यार इसको चन कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा खिलवाया जाता दाल है, पी एंड से या डी एंड हाँ, से हटा देते हैं क्योंकि वो बहुत नॉर्मली वो कहा जाता है। मैंने कहा यार, लेकिन
पता नहीं क्यों जब मैंने व्हेन आई केम अप विद दिस पार्ट ऑफ द सॉन्ग तो नेचुरली मैं चंद माहिया कह रहा था okay. और उसके पीछे कोई अभी मैं थोड़ी सी जरा स्पिरिचुअल या कोई फिलोसफिकल बात करूंगा ना तो वो बोरिंग ना हो जाए बट मुझे अब जिंदगी में लगने लगा है कि देर इज अ रीजन फॉर एवरी फीलिंग फॉर एवरी एक्सप्रेशन देर इज अ फीलिंग एंड समटाइम्स वी गो बैक टू करेक्ट इट एंड देन वी मेस इट अप Okay. Because that feeling is honest. जो पहली आती जो सबसे पहली फीलिंग आती है ना, that is the most honest feeling. ठीक है. तो मैं वो कुछ नहीं चेंज करना चाह रहा था. तो इस फीलिंग के पीछे आपको क्या ख्याल है कि क्या रीजन है अल्लाह क्या या स्पिरिचुअली पता नहीं मुझे मुझे लगा कि बिकॉज गाने के पीछे एक कॉन्सेप्ट तो है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मतलब मैं खुद भी आपको कह रहा हूँ कि आई डोंट नो व्हाई आई सेड चंद माहिया बट आई वॉन्टेड टू ट्रस्ट द फैक्ट दैट आई सेड इट एंड देन बाद में जाके आई ऑल्सो फाउंड आउट कि ठेठ पंजाबी में चंद माहिया भी कहते हैं चांद को चंद कहते हैं चंद वर्गा आसिम जल्दी जल्दी बता भी रहे हैं ठीक है जी तो फर्स्ट स्टेप इज ओ बहुत थोड़ा सा डाला है ओके ओ नाइस ये मैंने सोचा था मैं करूंगी लेकिन आपने कर लिया और ये ना आसिम कहेंगे क्या इतना शोर मच रहा है नहीं नहीं मैं देखें आप ट्रेनिंग चेक करें शोर नहीं मच रहा आई एम इम्प्रेस आई मैं ना नहीं ख्याल कि मैं इतनी अभी अम्मा मेरी ये यहाँ पे मौजूद होती तो वो हर जब भी मैं कोई ऐसा अच्छा काम करता हूँ ना तो उनकी एक स्टोरी आती है कि हर संडे को आसिम से मैं घर का काम करवाती थी एंड दैट्स ट्रू तो क्या क्या काम करते थे घर के आप सब यू नेम एनीथिंग झाड़ू पोंछा डस्टिंग हाँ ओके सब कटिंग चॉपिंग तो होती होगी हाँ बर्तन लगाते थे बर्तन धोए भी सब जितना सब कुछ किया वाओ अमेजिंग बट ऐसा नहीं होता था कि मुझे लाइक एज अ पनिशमेंट वो किया जाता था कि आज आसिम करे जिस जो चीज उस दिन जरूरत होती थी वो मैं करता था उसमें सब चीजें हेल्प कर रहे थे ना सब चीजें उसमें मतलब लीस्ट फेवरेट क्या था और कौन सा होता था अच्छा यार ये मैं कर सकता हूं तो बुरा नहीं है यार लीस्ट फेवरेट ऑब्वियसली मुझे झाड़ू मुश्किल है और कारपेट कारपेट था ना कारपेट पे झाड़ू कितना मुश्किल है ना कारपेट से मतलब अगर बहुत मुश्किल है उस वक्त वो भी नहीं हमारे पास होता था वैक्यूम या ऊवर तो अब देसी स्टाइल में झाड़ू लग रहा है तो कुछ गाते वाते थे उस वक्त नहीं नहीं कुछ भी नहीं तो ये सिर्फ कोसरा होता था अपने आप अच्छा कौन सा खेलने जाना बुरा नहीं लगता था मुझे बर्तन धोने में बड़ा मजा आता था पता नहीं क्यों मुझे वो मुझे वो ग्लव्स पहन के है ना थोड़ा 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 मतलब मेंटली थोड़ा क्या कहते हैं उस लव्स को थेरेप्यूटिक है ग्लव्स ग्लव्स डाल के ना मतलब ऐसे बस लगा हूं आई हेट आयरनिंग क्लोथ्स आई कांट आयरन क्लोथ्स दैट्स वन थिंग आई कैन डू ऑन माय ऑन अ बैड डे जब कोई और चीज नहीं अवेलेबल तो खुद करना बट बहुत बुरी करता हूं अच्छा गोइंग बैक टू योर एल्बम हम इसी तरह करते रहेंगे जंप कुछ इधर उधर की बातें कुछ कॉफी एंड देन एल्बम तो ख्याल कैसे आया और पहला क्या प्रोसेस होता है मैं चीनी डालने वाला हूं बाय द वे ओके ठीक है आप डालें चीनी सो चीनी जरूरी है या ब्लैक भी पी लेते हैं आप ब्लैक भी पी लेता हूं लेकिन ब्लैक इज एन ऑयल थोड़ा स्टाइल है हमने स्टाइल ही है बस वो स्टाइल में जो कुछ भी था मैंने स्टाइल कह दिया स्टाइल में बस असल में स्टाइल में नहीं फंसना चाह रहा ना तो अच्छा सो हम क्या